कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए देश के कई राज्यों ने इससे निपटने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस बार राज्य का फोकस बच्चों पर है। देश भर में स्कूलों के खुलने के साथ ही इन्हें कोविड की संभावित तीसरी लहर से सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। कई राज्यों ने अपने अस्पतालों में बच्चों के लिए ज्यादा बेड और ऑक्सीजन का इंतजाम करना शुरू कर दिया है। देश में कई वैक्सीन निर्माता कंपनी बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन के ट्रायल फेज में हैं। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि साल के अंत तक बच्चों के लिए भी कोविड वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। भारत में सबसे पहले मिले कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के चलते जिस तरह अमेरिका में बच्चों में संक्रमण फैल रहा है, इससे स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। अमेरिका में अब तक कई बच्चों को डेल्टा वेरिएंट से संक्रमण के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि देश में अप्रैल और मई में कोविड की दूसरी लहर के दौरान हजारों लोगों को ऑक्सीजन और मेडिकल फैसिलिटी की कमी के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अब अगले कुछ महीनों में कोविड की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि देश के लगभग 11 राज्यों ने अपने यहाँ स्कूल खोल दिए हैं, जिसके बाद बच्चों में कोरोना संक्रमण को लेकर चिंता बढ़ गई है। हालांकि हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि अब तक ये कहीं भी साबित नहीं हुआ है कि डेल्टा वेरिएंट बच्चों पर सबसे ज्यादा असर करता है। मुंबई और औरंगाबाद में इसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। यहाँ नए सेंटर बनाए जा रहे हैं जहाँ बच्चों के लिए ज्यादा बेड और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही है। मुंबई में बच्चों के लिए 1500 नए बेड तैयार किए गए हैं, जिनमें से ज्यादातर में ऑक्सीजन की व्यवस्था है। बीएमसी के सीनियर अधिकारी सुरेश काकानी ने बताया कि हम जरूरत पड़ने पर यहां अपनी बेड क्षमता को दोगुना कर सकते हैं। गुजरात में भी स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों के लिए 15,000 बेड की व्यवस्था तैयार कर ली है। हेल्थ कमिश्नर जयप्रकाश शिवहरे ने इस बात की जानकारी दी है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।